इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मुबारक हो, आप पिता बन गए। Really? Congratulations, Manas. Thank God. सुना आपने? सर, मेघना को अस्पताल में एडमिट कर दिया। उसकी तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है सर, 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। सब घर के रिश्ते ममता और स्नेह से ही भरे होने के साथ साथ अब मुझे समझ में आया कि सारे तीर्थ तो यही है। इस घर के बिखर जाने के बाद मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर में फिर से सुख शांति, अमन चैन, हंसी खुशी आएगी। लेकिन वकील साहब को सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, रिश्तों का टकराव और अपनों का गुस्सा मैं रोज देखता हूँ। मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। वकील साहब, ठहर जाइए। दीदी ने स्नेहा का आग्रह ठुकराकर उसे मरा हुआ मान लिया है। मैं दीदी को समझाने की कोशिश करती हूँ। अरे अंजना, तुम भला भाभी को क्या समझाओगी? दीदी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई माँ जीते जी अपनी संतान को कैसे मार सकती है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उसने हमारे खून को कितना कलंकित कर दिया है। तुम जानती हो उसने कितना बड़ा गुनाह किया है? मैं कैसे माफ कर सकती हूँ उसे? दीदी, मैं बहस करके आपका अपमान नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि उसने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, मगर औलाद की गलतियों को माफ करना माँ बाप का कर्तव्य होता है। बचपन की गलतियों को माफ करना माँ और पिता का कर्तव्य होता है, लेकिन ताउम्र उस गलतियों को नजरअंदाज करना और उसे माफ करना मेरे नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। और मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अंजना, मुझे मजबूर मत करो। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि स्नेहा मेरी बेटी है। काश वो पैदा होती ही मर जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। तुम नहीं जानती कि अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि मैं लोगों से नजर मिला सकूं। अब तो मेरे लिए एक ही रास्ता बच जाए कि मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लो। अच्छा, मैं चलता हूं। जी चाय। बैठा रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे, अब मैं दिन भर बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। मैंने सोचा मेरी पोती के लिए एक फ्रॉक सिल दूँ। अब देखो ना, आंखें कमजोर हो गई हैं।
दिखाई नहीं देता है, जरा मेरी मदद करो ना। जी, पर आपको क्या जरूरत है मानस भैया की बेटी के लिए कपड़े सिलने की? मार्केट में एक से एक फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, सस्ते के सस्ते और महंगे के महंगे। और आपके पास पैसे की भला क्या कमी, आप चाहे तो पूरा बाजार लेके आ सकती हैं। यही तो फर्क है राधा, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन पैसे से ममता, स्नेह, समर्पण ये नहीं मिलता, ना ही सुख, शांति और सुकून मिलता है। अगर कोई माँ, नानी, दादी, ताई किसी बच्चे के लिए कपड़े बनाती है ना, तो वो उसमें धागा नहीं बल्कि अपना प्यार पिरोती है। तुझे पता है, मेरी दादी भी मेरे लिए फ्रॉक सिला करती थी, और एक बार यादगार के रूप में ना उनकी फ्रॉक मैंने अपने पास रख ली, और आज भी वो फ्रॉक मेरे पास है। जब कभी भी उसे देखती हूँ, उसे छूती हूँ, तो दादी के प्यार का एहसास होता है। आज भी अगर कोई 150 रुपए की फ्रॉक अगर 1.5 लाख में भी मुझसे कोई मांगे, तो मैं उसे नहीं दूंगी, क्योंकि उसी से तो अपनापन आता है, और वही प्यार है जो आज भी मुझे अपनी दादी के प्यार का एहसास दिलाता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तो रिश्तों में शीतल हवा भी गर्म लगने लगती है, और बाप को बाप कहने में भी शर्म आती है, लेकिन अब हम तो ठहरे पुराने इंसान। और बाप को बाप कहने में भी शर्म आती है, लेकिन अब हम तो ठहरे पुराने इंसान। उस समय की सिलाई कढ़ाई सिखाई हुई आज काम आती है ना, टाइम पास का टाइम पास, और सिलाई की सिलाई, है ना? अच्छा, अब तू जा अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, जा। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, ये कोई 1000-2000 रुपए। 1-2 हजार रुपए की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है ना, गांव में अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो मैं सोच रही थी अगर पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो चाचा को कह के शहर के किसी डॉक्टर से उनका इलाज शुरू करवा दूंगी। देखो राधा, जहां तक तुम्हारी मम्मी की तबीयत का सवाल है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, लेकिन तुम अब तक अपनी तनख्वाह से 10,000 रुपए ज्यादा ले चुकी हो हमसे। मैं जानती हूँ, और मुझे भी आपको ये बोलते हुए बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन इस दुनिया में एक आप ही तो हैं जो मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये लेन देन की बात तुम किसी से कहोगी नहीं? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी, अम्मी की कसम। चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ। कैसा है? कैसा? ओह, आह, लुक माय गॉड। अरे वाह, इतनी सारी शॉपिंग करके आया? लेकिन शॉपिंग के मामले में आप इतने सीरियस कहाँ से हो गए? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले शॉपिंग के मामले में मैं कभी इतना सीरियस नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि जब आदमी की शादी हो जाती है ना, तो उसके नेचर में बदलाव आ जाता है। शाम होते ही उसे ये महसूस होने लगता है कि यार, घर में एक बच्चा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ये तो बड़ी कमाल की बात है। पत्नी के बारे में अगर कोई सोचे ना सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा, बच्चे के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, सही कहा तुमने। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ये दोस्त है ना, बड़ा समझदार है। और बताओ क्या क्या कहा उसने? हाँ, आगे उसने कहा कि उसके सपने, उसके अरमान, उसके सारे शौक बच्चे पे ही समर्पित हो जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे कि
एक आदमी के पास 5,000 रुपए है शॉपिंग करने के लिए, तू पता है क्या करेगा? पूरे 5,000 की शॉपिंग बच्चे के लिए ही कर देगा, खुद के लिए कुछ नहीं लेगा। अरे हाँ, तुम्हारा वो दोस्त दोबारा मिले ना तो मेरी तरफ से थैंक्स जरूर कह देना उन्हें। ओके, लेकिन क्यों थैंक्स? तुम्हें अच्छा पिता बनने की सलाह देने के लिए। और अब अगर जनाब की इजाजत हो तो क्या मैं देख सकती हूँ कि आपने हमारी बेटी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है? All yours, madam. All right. आप इन्हें जांचो परखो, तब तक कि मैं अपनी गुड़िया के साथ खेल के आता हूँ। सवाल तो सो रही है। हाँ ठीक, मुझे एक नए अंदाज से खेल खेलना आता है। अच्छा। उसकी नींद भी नहीं खुलेगी और खेल भी हो जाएगा। अच्छा जनाब, जस्ट वॉच। ठीक है। यस। माय प्रिंसेस। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी गुड़िया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। देखिए जरा, डायमंड सेट, ये क्या मानस, ये साड़ियां और ये ज्वेलरी लाने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी मेरे पास कितने सारे साड़ियां हैं। तुम भी ना। मैं भी ना। यू नो व्हाट, वेल हुआ ये कि मेरे दोस्त ने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, उसमें मैंने अपना दिमाग भी यूज किया। क्या देखो, आदमी की सारी इच्छाएं, आरजूएं, शौक सब बच्चे पे आके खत्म हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि जो बाप बनने का सौभाग्य उसको किसके वजह से मिला, किसकी वजह से? बच्चे की माँ की वजह से। तो उस माँ को तो उसका हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, है कि नहीं? गलत, एकदम गलत। मानस, ये प्यार और ये सम्मान दिखाने के लिए ये बिना वजह की शॉपिंग करना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। बिल्कुल नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। देखो मानस, एक बात समझो, एक औरत के लिए ये महंगी महंगी साड़ियां, महंगे महंगे डायमंड सेट्स, इनकी कोई अहमियत नहीं है। उसके लिए तो उसका पति ही सब कुछ है। समझ में आया? समझ गए जी, समझ गए, समझ गए कि ये जो सरप्राइज मैंने इतने देर से छुपा के रखा था, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। गलत था मैं, एकदम गलत था, मेरी सोच ही गलत थी। मुझे लगा मेरी बीवी इसे देख के खुश हो जाएगी, मचल उठेगी, लेकिन रॉन्ग। डायमंड रिंग, माय गॉड, लेकिन ये तो बहुत महंगे हो गए ना। मानस, देखो मानस, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम पर शक हो रहा है। बोलो, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो? बोल दो, बोलो बाबा। ओके, रितिका, एक बहुत ही सुनहरा मौका मेरी जिंदगी में आया है। तुम्हारी डिलीवरी की वजह से मैंने उसे डिले किया था, बट अब सब कुछ ठीक है, मॉम डैड हमारे साथ हैं। तो रितिका, मुझे ट्रेनिंग के सिलसिले में 3 महीने के लिए सिंगापुर जाना होगा। क्या? रितिका प्लीज, प्लीज रितिका, मुझे रोकना मत प्लीज। लेकिन मानस, 3 महीने? वैसे दिल तो करता है कि मैं हमारी बेटी की खुशियों का वास्ता देकर, मेरी खुशियों का वास्ता देकर तुम्हें रोक लूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी पत्नी हूं ना,
तुम्हारी खुशियों के बारे में भी मुझे ही सोचना होगा। और वैसे भी तुमने पहले भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। ठीक है। That's like my Ritika. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। And you know what? मुझे तुम पे नाज है। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। और 3 महीने की तो बात है, यू निकल जाएंगे, है ना? Come on. नमस्ते वकील साहब। नमस्कार। क्या आप माँ से मिले थे? उन्होंने जमानत के लिए हाँ कर दी ना? मुझे अफसोस है स्नेहा जी, उन्होंने मना कर दिया। क्या? हाँ स्नेहा जी, आपकी रिक्वेस्ट सुनते ही वो भड़क उठी और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप उनकी नजर में मर चुकी हैं। लेकिन आपकी चाची अंजना जी ने आपकी बहुत तरफदारी की और उन दोनों में काफी झड़प भी हुई, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। मैं खाली हाथ वापस लौट आया। किसने आज मुझे ऐसा लगता है कि माँ जी आपकी जमानत नहीं कराएंगी, इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है वकील साहब, जाते जाते सूर्या को भी मिल लीजिएगा, उन्हें ये मैसेज दे दीजिएगा ताकि वो और कोई प्रबंध कर लेंगे। ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब अपने ऊपर कहर टूटता है ना तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, और माँ ने तो ये साबित कर भी दिया। ठीक है माँ, ठीक है, तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला, तुम्हारे आदर्श तुम्हें मुबारक हो, लेकिन स्नेहा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। नहीं अंजना, तुम शहर नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिद स्नेहा से मिलने की है और मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ जज साहब से मिलकर अपनी बेटी के गुनाह के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अगर सब लोग स्नेहा से मुंह फेर लेंगे तो स्नेहा का क्या होगा? अंजना बात को समझने की कोशिश करो, अगर हमने स्नेहा का साथ दिया तो भाभी जी के साथ साथ शिवराम भैया भी नाराज हो जाएंगे। मैं वो काम नहीं कर सकती। अगर हमने स्नेहा का साथ दिया तो भाभी जी के साथ साथ शिवराम भैया भी नाराज हो जाएंगे। मैं वो काम नहीं कर सकती जिसके लिए मेरा जमीर गवारा नहीं करता। स्नेहा कानून और इंसानियत दोनों की गुनहगार है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। दीदी यहाँ गलती किससे नहीं होती है? कौन यहाँ दूध का धुला हुआ है? आप तो स्नेहा के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ी हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं तो बस जज साहब से मिलकर अपनी बेटी के गुनाहों के लिए माफी मांगकर अपनी शर्मिंदगी को कम करना चाहती हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ भाभी जी। आप चुप रहिए जी, बेटी दामाद पर आफत आई है और आप जा रहे हैं उसके दुश्मन से मिलने के लिए। ओहो अंजना, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम, उसे अपने बेटी दामाद का दुश्मन कह रही हो जिसने सूर्या को कभी सौतेलेपन का एहसास तक नहीं होने दिया। बेटी और दामाद की जगह कोई और होता तो उनकी चरण धोकर पीता, लेकिन स्नेहा और दामाद जी ने तो वो काम कर दिया है जिसे सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। दीदी मैं जब तक स्नेहा से खुद नहीं मिल लूंगी उसे गलत नहीं समझूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी, आप जस साहब से मिल लीजिएगा और मैं स्नेहा से। ठीक, तो तुम पहले जाके स्नेहा से मिल लो, मैं बाद में जाके जस साहब से मिल लूंगी। भाभी जी, अंजना मुझे तो ऐसा लगता है तुमने भी स्नेहा की तरह भाभी का दिल दुखाने की कसम खाई हुई है।
अरे मैं पूछता हूँ, उनकी बात मान लेना, मैं आखिर बुराई क्या है? मैं दीदी के दर्द को समझती हूँ, लेकिन स्नेहा भी तो इस घर की बेटी है। अच्छा अच्छा, अब बस करो। क्या भाई, और टेंशन में? कल तक तो बहुत खुश थे कि आपके सास ससुर आपको जमानत पर छुड़ा के ले जाएंगे, क्या हुआ? मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। क्या? लेकिन कैसे? मेरी सास ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब तुम्हारे सास ससुर असुर साबित हुए? ये मजाक का वक्त नहीं है, सोचने तो मुझे कुछ। क्या सोचोगे? यहां सोचने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए। हम सब के पास यहां पर एक ही काम है कि सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। मैं भी यही काम करता हूं दिन रात, पर सोचता हूं क्या सोचूं। पर तुम सोचते रहो, सोचो सोचो सोचो। उफ, कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहां तो मेरी जान निकल जाएगी। पर करूं क्या? सोच लिया मेरे भाई?